नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। आदिवासी और वन भूमि मुद्दे पर विपक्ष गुमराह कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। विवादास्पद भूमि विधेयक को लेकर छिड़ी बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विपक्षी दलों पर आदिवासी और वन भूमि के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरह की मुहिम से देश के हितों को चोट पहुंचेगी। भूमि विधेयक के दायरे में आदिवासी और वन भूमि नहीं आती है और इसका अलग कानूनों के जरिए संरक्षण होता है। मोदी ने कहा कि चल रहा यह अभियान खत्म होना चाहिए। तथ्यों और हकीकत पर आधारित चर्चा का स्वागत है। शोपियां में आतंकवादी हमला, 3 पुलिसकर्मी शहीद। जम्मू और कश्मीर के शोपियां में सोमवार को आतंकवादियों ने पुलिस दल पर अचानक हमला कर दिया, जिससे 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला में भी एक पुलिसकर्मी पर फायरिंग हुई है। शोपियां में हुए हमले में एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। काटजू का एक और विवादित बयान, कहा गौमांस खाया है, दोबारा खाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू अब एक और विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने गौ हत्या पर लगे प्रतिबंध का विरोध किया है। उन्होंने प्रतिबंध को राजनीतिक बताया है। काटजू ने कहा कि यह मेरा फैसला है कि मैं क्या खाता हूं। जिस तरह मैं दूसरों को गौमांस खाने के लिए जिद नहीं कर सकता, उसी तरह कोई मुझे इसे खाने से रोकने के लिए जिद नहीं कर सकता। काटजू ने यहां तक कह दिया कि गौमांस प्रोटीन का सस्ता स्रोत है। ओवैसी ने सलमान खान को कहा बेवड़ा। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फिल्म अभिनेता सलमान खान पर निशाना साधते हुए उन्हें बेवड़ा कह दिया। हालांकि ओवैसी ने सीधे तौर पर न सही, लेकिन बातों ही बातों में कहा कि किसी शख्स ने शराब पीकर फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें एक मासूम की जान चली गई और अब उन्हें यह महसूस हुआ कि गाड़ी वे नहीं चला रहे थे और उन्होंने एक गरीब ड्राइवर को फंसा दिया। बांद्रा उपचुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के दौरान मुंबई की एक सभा में ओवैसी ने कहा कि अगर गौमांस प्रतिबंधित किया है तो शराब बंद क्यों नहीं की? अगर शराब बंद करते तो कई रोड एक्सीडेंट नहीं होते, कई घर बर्बाद होने से बच जाते। सौ वर्षीय महिला ने तैराकी में बनाया रिकॉर्ड। जापान की एक 100 वर्षीय महिला ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी पूरी करके नया रिकॉर्ड बनाया है। वह 100 साल की पहली महिला हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। यामागुची की मिको नागाओका ने 25 मीटर के तरणताल में यह रेस पूरी करने के लिए 1 घंटा 16 मिनट का समय लिया। वे शनिवार को पश्चिमी जापान के एहिम में हुई प्रतियोगिता में 100 से 104 वर्ष के वर्ग में अकेली प्रतियोगी थीं। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार संभावना है कि उनके समय को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता मिल सकती है। नागाओका ने कहा कि यदि मैं जीवित रही तो 105 साल की उम्र तक तैरना चाहूंगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।